सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 टॉप मॉडल व्हाइट कलर। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इस गाड़ी में आज कितनी वेटिंग है, लगभग एक साल की वेटिंग इस गाड़ी में दी जा रही है। लेकिन अगर आप महिंद्रा अशोक मोटर्स में आओ तो ये गाड़ी आपको हैंड टू हैंड डिलीवर हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 और एक आगे 5, देख रहे हो 5 स्कॉर्पियो क्लासिक फ्री स्टॉक में है। मतलब अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ले लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से दोस्तों अगर आप बात करें तो फ्रंट से तो आपको काफ़ी माचो लुक मिलती है, जो साउथ इंडियन फिल्म में आके गाड़ी का रुतबा बनाया गया। ये गाड़ी उस रुतबे को आज भी मेंटेन करके रखती है। किसी भी गाड़ी के लिए ये चीज़ मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, बस इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है थोड़ी और इम्प्रूव्ड हो जाए तो ये गाड़ी एक परफेक्ट पैकेज बन जाएगी। दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो 17.05 लाख, मतलब 17,05,000 इसका एक्शोरूम प्राइस है। ऑन रोड जानना है तो नीचे नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो। गुवाहाटी ऑन रोड मोटा मोटी आपको 19 लाख का पड़ेगा। तो देखो 19 लाख जस्टिफाई है कि नहीं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फ्रंट से अगर आप देखो तो फ्रंट से यहाँ पर आपको पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है। ये कोई भी आपको LED सेटअप नहीं मिलने वाला है, और जो आपको हाई बीम के लिए मिलेगा वो हेलोजन है, और जो आपका लो बीम के लिए रहेगा वो प्रोजेक्टर। नीचे आपको हेलोजन इंडिकेटर, नीचे ऑगलैम भी आपको हेलोजन में मिलेगा, और एक यहाँ पर भी DRL मिल जाता है, आईब्रो टाइप 2 DRL मिलता ही है। यहाँ पर आपको क्रोम शोर ग्रिल मिल जाती है, कोई कैमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्रंट में भी कोई पार्किंग सेंसर नहीं दिए गए। साइड से दोस्तों आते हैं तो साइड से आप लोग इसकी देख सकते हो, वेट लेंथ के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी रखी गई है, आपके स्क्रीन पर सब शो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों साइड में आपको इस तरह के एलॉयस मिलते हैं, डायमंड कट एलॉयस रहने वाले हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 35, 65, 17 इंच का डायमंड कट है। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, सस्पेंशन इस थोड़ी बम्पी तो है, MHO जो कि इसका इंजन है। तो चलो इंजन को ही खोल के देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो ये स्कोप देख रहे हो ये अभी पूरा कवर किया गया है। पहले वाली स्कॉर्पियो में ये आपको खाली मिलता था क्योंकि पहले इंटरकूलर ऊपर आया करता था, लेकिन अभी इंटरकूलर नीचे लगा दिया गया है। हाइड्रोलिक स्टार्ट्स जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है गाड़ियों में, अगर आप बिना हाइड्रोलिक के उठाना चाहो तो जान निकल जाएगी। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर का 2 लीटर का MHO डीजल इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 130 BHP पावर, 350 Nm का टॉर्क, चलो ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो N अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 170 BHP पावर एड 350 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, उससे थोड़ी तो अंडर पावर ये है। अंडर पावर तो नहीं, चलाने में ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा पावर है, उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो लमसम मोटा मोटी ठीक ही है। 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। माइलेज की बात करें तो सिटी में आप 15 से 12 के बीच में ही मान के चलो। वायरिंग में काफ़ी कलर्स का यूज़ किया गया है रेनबो थोड़ा बनाए रखने के लिए। हुड को करते हैं क्लोज, चलो हुड क्लोज हो गया। बिल्ड क्वालिटी इज स्ट्रॉन्ग लेकिन सेफ्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। साइड से दोस्तों आते हैं तो साइड से आप कुछ इस तरह की लुक देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक साइड फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है, सिल्वर स्किड प्लेट सॉर्ट ऑफ लुक। ORBM पर कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है ये कुछ इसका हेलोजन में इंडिकेटर। दोस्तों अगर कलर की बात करें तो आप लोगों को याद होगा, अगर आपने पहले मेरा स्कॉर्पियो का वीडियो देखा तो उस व्हाइट कलर में आपको थोड़ा येलो टिंट मिलता था, लेकिन अभी वो येलो टिंट हटा के इसको पूरा सुपर वाइट कलर दे दिया गया है। मतलब आपको इसमें कोई भी टिंट फिंट नहीं मिलेगा, और ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ी प्रीमियम लग रही है इसमें। देखो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये कलर आपको पूरा ही वाइट मिलता है, पूरा वाइट। पीछे आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, ड्रम ब्रेक ही मिलता है, लेकिन डिस्क ब्रेक मिलने का काम था। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल टैंक, और उस साइड में आपको DEF का टैंक मिलेगा। पीछे से आप लुक देख सकते हो, लुक इज क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको हेलोजन LED कॉम्बिनेशन में टेल लैंप्स मिलेंगे। पीछे के लिए भी आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस 460 लीटर का मिलता है। पीछे का स्पेस जाके देख लेते हैं, यहाँ से आप कुछ इस तरह से डिप्लॉय करोगे। यहाँ पर आपको वेलक्रो दिया गया है। लेगरूम तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, लेकिन सीट्स उतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, बच्चों को बैठाओ तभी ठीक होगा। यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। पीछे आपको वॉशर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो, कोई भी कैमरा इसमें नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए था। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक फुटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग जो कि अपने आप में एक ब्रांड बन गया है, आज S11। यहाँ पर आपको DEF का टैंक मिलेगा। डिपार्चर एंगल गाड़ी का अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये ग्लास आपको खुलता नहीं, ये बस आपका क्लाइमेट के लिए काम में आएगा। ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। सेकेंड रो डोर की बात करें तो सेकेंड रो डोर काफ़ी बेसिक रखा गया है, कुछ भी इसमें आपको ज़्यादा फीचर और कुछ ज़्यादा लेदर फिनिश नहीं मिलने वाली। बस यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दी गई है फैब्रिक की। यहाँ पर आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पर आपको एक बोतल होल्डर, फोन होल्डर,
लॉक अनलॉक करने के लिए। और सीट्स की बात करें तो सीट्स आप देख सकते हो। लेगरूम की बात करें तो इस सीट को मैंने पूरा पीछे करके रखा है, मतलब फ्रंट सीट पूरा पीछे है, उसके बाद में इतना कुछ स्पेस मिल रहा है, मतलब आगे पीछे 6 फुट 6 फुट के बंदे बैठना चाहे तो मुश्किल से बैठेंगे, थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इतना अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम इज़ क्वाइट गुड, यहाँ पर आपको एक हेडरेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन कोई कप होल्डर नहीं दिया जाए। यहाँ पर आपको एक घटिया सा लाइट मिल जाता है हेलोजन में, जो कि LED में होना चाहिए था, इसकी थोड़ी प्लेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी। तीन लोग बैठने की बात करें तो हाँ दोस्तों, तीन लोग इसमें आप बैठ सकते हो बड़े ही आराम से, क्योंकि सीट्स इसके वाइड है, नैरो नहीं है। यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह मिलती है, लेकिन मेरा फ़ोन इसमें जाएगा नहीं, वो पुराने ज़माने का नोकिया वाला फ़ोन इसमें चला जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की फाइल होल्डर मिल जाती है, मतलब यहाँ पर फाइल वाइल लटका के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पर आप गैप करके गाड़ी खोलोगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वुडन ट्रीटमेंट मिल जाती है, और ये जो हैंडल है काफ़ी बेसिक सा रखा गया, इसे थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट देना चाहिए था। जैसे इस कलर में माइनर सा ट्विक करके गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है, इन सब फीचर्स को भी थोड़ा सा सुधार देते तो अच्छी होती, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं तो ओवर प्राइस्ड है, मानो या ना मानो, क्योंकि 17 लाख इसके लिए थोड़े ज़्यादा है। थोड़े से मिला के आप स्कॉर्पियो N भी ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की ये सीट्स मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, फैब्रिक सीट्स रहने वाली है बेज कलर में, काफ़ी जल्दी गंदा होता है, लेकिन फैब्रिक कुशनिंग अच्छी रखी गई है। पूरी की पूरी सीट्स आपको फैब्रिक अपोस्ट्री में दी गई है। यहाँ पर कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया, यहाँ पर आप बस फुट रख के चढ़ोगे गाड़ी में। व्हाइट कलर में ये गाड़ी मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगती है, आपको कौन सी कलर में अच्छी लगती है, ब्लैक या फिर व्हाइट, कमेंट करके बताना। गाड़ी को करते हैं चालू, कोई भी इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, चाबी लगाओ सदाबहार और चालू करो गाड़ी, हो गई। अभी देखना जैसे मैं गाड़ी चालू करूँगा, कुछ हुआ गियर ड्रॉप में, कुछ नहीं हुआ, और एक बार करके दिखाता हूँ, गाड़ी बंद चालू। अब आप क्या समझिए, मतलब पहले जो स्कॉर्पियो क्लासिक आया करती थी उसमें जोर जोर से ये गियर नॉब हिला करता था गाड़ी चालू होने के बाद में, लेकिन अभी ये पूरा स्थिर अपने जगह पर रहता है। हॉर्न की बात करें तो पोपो वाला हॉर्न ही मिलेगा, और इस तरह में आपको ठंड के मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी, नीचे आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं दोस्तों, पेडल्स की प्लेसिंग चलो ठीक है, एक डेड पेडल भी दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया की प्लेसिंग की जगह मिल जाती है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेयरिंग इज़ ओनली टिल्ट, हाँ स्टेयरिंग ओनली टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला, महिंद्रा का बटरफ्लाई लोगो। इस साइड में दोस्तों आपको मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, इस साइड में दोस्तों आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल, यहाँ में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7000 RPM, और इस साइड में आपको मिल जाते हैं 180 तक की स्पीड। क्रूज कंट्रोल का बटन यहाँ पर दिया गया है, और बाकी जो आप MID चेंज करोगे यहीं से करोगे। काफ़ी क्लासिक ही रखा गया है चलो, लेकिन डिसेंट लगता है। डैशबोर्ड का एरिया काफ़ी छोटा है, मतलब देखो मेरा एक हाथ में पूरा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आपको क्रोम सराउंडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, इस तरह की आपको 10 इंच की इंफोटेनमेंट मिलेगा, लेकिन ये इंफोटेनमेंट आफ्टर मार्केट महिंद्रा लेके लगाती है, महिंद्रा का ये जेनुइन ओरिजिनल नहीं है। स्पीकर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, कोई भी ट्विटर विटर नहीं मिलने वाला है। तो देखो आप यहाँ से प्राइसिंग जस्टिफाई करो, 17 लाख एक शोरूम प्राइस में आपको कोई ट्विटर्स नहीं दिया गया है, ऊपर से इसका म्यूज़िक क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं रखा गया। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फाइल होल्डर मिल जाता है, स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी, और ये आपको हाइड्रो डिपिंग मिलती है, मतलब ये वुड फिनिश आपको हाइड्रो डिप दिया गया है, ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा ओबेस सी बात है। यहाँ पर दोस्तों आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी गियर लेसिंग अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है 12B का पावर सॉकेट, एक फोन सॉकेट। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, इंफोटेनमेंट में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और थोड़ा लेगी फेगी तो करता है ये। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का हैंड ब्रेक, एक फोन होल्डर, 2 यहाँ पर आपको मिल जाता है बोतल होल्डर, पीछे के लिए आपको 2 AC वेंट्स और 2 यहाँ पर आपको बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। सीट की कुशनिंग की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, लेकिन सीट की जो वाइडनेस है और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, यहाँ पर आपको थोड़ा तो सीट नैरो लगेगा। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम इज़ क्वाइट गुड, थोड़ी सी और होती तो मतलब चौड़ी अच्छा होता। बाकी इस गाड़ी में जब आप बैठ के कुछ इस तरह से एक्सेलेटर पेडल को करोगे ना, उसी में असली फील आएगी, क्योंकि ये गाड़ी बनी ही उस चीज़ के लिए, एक टोरे रुतबे के लिए बनी गई है। ऊपर में आपको दोस्तों इस साइड में कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, बस सनवाइज़र टाइप ही मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इस साइड में आपको एक वैनिटी मिरर छोटा सा मिल जाता है। मैनुअल IRB मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रोक्रोमिक नहीं मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको ABS CVT डुअल एयरबैग ट्रैक्शनल कंट्रोल ESP नहीं मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए था।
और हिल डिसेंट कंट्रोल भी नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर्स मतलब नहीं होना चाहिए। आपको गाड़ी में पावर मिलेगी, मिल जाएगी, आपको रुतबा चाहिए मिल जाएगा, स्टेटस सिंबल मिल जाएगा, एक बेटर रिलायबिलिटी मिल जाएगी स्कॉर्पियो एन के मुकाबले, लेकिन फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कुछ जानना चाहते हो तो लाइक कर देना, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और स्कॉर्पियो क्लासिक आप लोगे कि नहीं कमेंट करके बताना। सबसे स्पेशल बात, इस गाड़ी पर कोई वेटिंग नहीं है तो शोरूम को एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।